हिमाचल प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में कई वर्षों बाद खेत खलिहान पारंपरिक विलुप्त प्राय फसलों से लहराने लगे हैं। ये सब महामारी के बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू की बंदिश के कारण देखने को मिल रहा है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, रोजी के लिए देश प्रदेश गए लोग तेजी से अपने गांव की ओर रुख करने लगे। परिवार गांव में एकत्रित हुए तो देश में बीमारी से बदलते हालात को देखकर बंजर पड़ी जमीन पर खेती योग्य बनाना उसे शुरू किया गया, ताकि विकट परिस्थितियों में भोजन का बंदोबस्त हो सके। इसी मुहिम में ग्रामीणों ने स्वयं पारंपरिक फसलें तैयार की। ये प्रयास उन लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ जो युवा कौन सी फसल कैसे तैयार होती है, उन फसलों में कौन कौन सी औषधीय गुण होते हैं ये नहीं जानते थे। शहरों से पलायन कर गांव आए लोगों के लिए ये रोजी रोटी का जरिया बना। ऐसे में घरेलू फसलें तैयार कर इन्होंने कोरोना के दौर में पौष्टिक और औषधीय गुण युक्त भोजन भी प्राप्त किया। पूज्य देव पूर्व पंचायत समिति सदस्य लालसा ने बताया कि मजदूर कर्मचारी जो पैसे कमाने के लिए बाहर गए थे, सारा परिवार बाल बच्चों समेत देश के विभिन्न हिस्सों से वापिस अपने घरों को आए हैं। उसके बाद उनमें ये सोच तैयार हुई है कि बेकार बैठने से कुछ नहीं होगा, अपने पारंपरिक खेती को अपनाएं। और लोगों ने इस दौरान हजारों बीघा जमीन अपने आप खोद डाली और उसके बाद पारंपरिक फसलों को भी तैयार किया है। युवा और बच्चों ने खेती कैसे की जाती है ये भी जाना है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें पता चला है कि बुजुर्ग किस तरह घरेलू अनाज को खाकर 100 वर्ष जीते थे। और पूर्व BDC लालसा डंसा, जो जब से ये कोरोना 2020 से शुरू हुआ, इसकी जो आपातकालीन जो बीमारी है, ऐसी महामारी लगी जो सरकार ने भारतवर्ष केंद्र से जो आदेश हुए, इसमें हर आदमी को अपनी सेफ्टी करने का आदेश हुआ। उसके बाद जितने भी हमारे बाहर कर्मचारी थे, चाहे मजदूर थे, जितने जो सब थे, जो कृषक घर की ओर जब लौटे, घर में जब उन्हें देखा कि भाई अब सब घर में इकट्ठे हैं, मतलब सब, उसने एक अपना अभियान, एक कार्य अपने खेती की ओर ध्यान दिया। खेती जो हमारी प्राचीन काल की, जो हमारे अनाज है, जो हमारी सभ्यता, जिस खा के हम हमारे जो बुजुर्ग 100-100 साल की आयु में जीते थे, वो अनाज द्वारा बीजना शुरू किया। जैसे कोदा है, चलाई है, चीड़ा है, कावणी है, मक्की है, और जो आलू है, दूसरे और छोटे बीन है, सारी बीने, राजमा, सारी बीने को बीजना शुरू किया। तो अच्छा मतलब लगा कि घर में आके लोगों ने इस कार्य पूरा किया, कृषि का कार्य किया, और एक आने वाले जो पीढ़ी है, छोटे जो हमारे बच्चे हैं, उनको वो भूल गए थे इस कृषि को, कैसे कैसे अनाज थे, अब वो देख रहे हैं, हाँ ये अनाज कैसे है, उनको अब ज्ञान हो रहा है, ये अनाज प्राणी हमारी सभ्यता है जिसको खा के आज हम इतने बड़े हुए, तो हर आदमी को। वहीं स्थानीय निवासी पूर्ण कला ने बताया कि इस लॉकडाउन ने लोगों को खेती करना सिखाया है। लोगों की नौकरी छूट गई थी, लेकिन उनके पास विकल्प था खेती का। उन्होंने 20 साल बाद पारंपरिक फसलों को बीजना आरंभ किया। बच्चों को ये तक पता नहीं था कि कौन सी फसल कैसे तैयार होती है, जो उन्होंने खेत में आकर देखा। मेरा नाम पूर्ण कला भारद्वाज है। इस बारी लॉकडाउन ऐसा किया, जब किसी ने कभी भी खेत नहीं देखे तो इस बारी खेत जमीन देखी, बच्चे आए बेचारे, बहुत मेहनत की, वो अपना 20-20 साल के बंजर खेत खोदे, 10-10-15-15 दिन में चढ़ाई बीजी, माश बीजे, मक्की बीजी, तो हमने सब कुछ फसल उगाई थी। वहीं शिंगला पंचायत की योगिता गौतम ने बताया कि उन्होंने कई सालों से खेती बाड़ी करना छोड़ दी थी और जमीन बंजर पड़ी थी। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, उनके बाद उनका परिवार एक होकर खेती करने लगा और सारी पारंपरिक फसलें बीज कर खेती की है। इससे बच्चों को भी पता चला है कि खेती कैसे की जाती है और फसलें कैसे प्राप्त होती हैं। मेरा नाम योगिता गौतम है, मैं गांव शिंगला की निवासी हूं, और हमने काफ़ी समय से खेती बाड़ी छोड़ दी थी, पर इस लॉकडाउन ने मतलब सब लोग घर आए और लॉकडाउन में हमने खेती बाड़ी शुरू की। तो हमने माश बिजाई की और तुलसा दालें वगैरह, कई प्रकार के दालें उगाई हमने, और मक्की वगैरह भी जाई की। और इससे क्या फायदा हुआ आपको? इससे ये फायदा हुआ कि लॉकडाउन में हमारे को भी राशन पानी, चलो अपने खेती बाड़ी से सब कुछ हो सकता है, अगर हमने भी अपने खेती बाड़ी भी करनी सीखी है जी। और बच्चों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि किस तरह से दालें उगाई जाती है, या फिर उन बच्चों को भी इस बारे में सब कुछ ज्ञान हुआ है जी।
मेरा नाम तुलाराम शर्मा, उप प्रधान ग्राम पंचायत लालसा। जैसे ही मार्च के महीने से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, लोग जो बाहर अपने गांव से बाहर मजदूरी कर रहे थे, वो अपने गांव की ओर आए और उन्होंने अपने गांव में आके पारंपरिक जो हमारा अनाज है उसको बेचना शुरू किया है। जो हमारे लोगों ने 10-12 साल पहले छोड़ दिया था वो अनाज बीजना, वो दोबारा से उन्होंने, उन किसानों ने दोबारा से बिजाई शुरू कर दिए, जिनमें से आप देखें एक कावणी है, चीणा है और कोदा है, तुलसी है, जैसे रांगुड़ है, ये काफ़ी सारी दालें हैं, उनको दोबारा से गांव में डेवलप कर दिए है। क्योंकि जो किसानों का एक आर्थिक का साधन भी इस मंदी के जो दौर है, कोरोना महामारी का दौर है, उसमें ये आर्थिक का साधन बनेगा।